हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे एप्पल साइडर विनेगर गमीज बना सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स की है गमीज अवेलेबल हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग एप्पल साइडर विनेगर नहीं पी पाते हैं, उनको उनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है एप्पल साइडर विनेगर का, तो वो गमीज लेते हैं, गमीज खाते हैं जिनका टेस्ट भी अच्छा होता है और जो जो भी एप्पल साइडर विनेगर के बेनिफिट्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। अब एप्पल साइडर विनेगर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप लोगों को पता ही होगा, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है कि एप्पल साइडर विनेगर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं इसको इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है और हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन के लिए एप्पल साइडर विनेगर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मुझे आदत है एप्पल साइडर विनेगर लेने की, टेस्ट ख़राब होता है फिर भी लेती हूँ, पर जब गमीज बन सकती हैं तो क्यों अपना टेस्ट ख़राब करना। और मैं आजकल गमीज ही ले रही हूँ, गमीज खाती हूँ जिससे मुझे एप्पल साइडर विनेगर के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जो गमीज मार्केट में अवेलेबल होती हैं काफ़ी कॉस्टली होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, और अगर आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हो तो वो उतना कॉस्टली नहीं होता है। 200-300 रुपये में एक अच्छा एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हैं। मैं कौन सा एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती हूँ ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आई बटन पर भी मैं अभी कपिवा यूज़ कर रही थी, डाबर मैं यूज़ कर रही हूँ अभी। ये सारे एप्पल साइडर विनेगर के अगर आप रिव्यू जाना चाहते हैं तो आई बटन पे आप देख सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये गमीज कैसे बनाई जाती हैं। इसको बनाने के लिए आप कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी भी वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं जिनका जूस आपको पसंद हो या फिर आप उसका बेनिफिट्स लेना चाहते हो। तो मैं इधर कैरेट और बीटरूट ले रही हूँ। आप ऑरेंज, पाइनएप्पल, अनार और स्ट्रॉबेरी, जो भी आपके आपको जिसका टेस्ट पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसका जूस बना लीजिए और उसको अच्छे से छान लीजिए। किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए, मैं आधा कप पानी ले रही हूँ, और गैस ऑन कर दीजिए, लो फ्लेम होना चाहिए, और उसमें मैं जेलेटिन पाउडर डाल रही हूँ। मैंने 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर लिया और उसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि वो लम्स फ्री हो जाए और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, और गैस का फ्लो धीमे ही रहने देना, फिर ये ऐसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसके बाद इसमें आधा कप मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ और आधा कप मैं जो भी मैंने जूस बनाया है वो मैं डाल दूँगी। इसको अच्छे से हिलाऊँगी, अच्छे से चलाऊँगी। अगर अभी भी आपको इसका टेस्ट, आप जो फ्रूट का जूस डालते हो उसके बाद भी अगर आपको टेस्ट बुरा लगता है, थोड़ा सा चख के देख लीजिए, टेस्ट बुरा लगता है तो आप उसमें हनी मिक्स कर सकते हैं, आप उसमें लेमन मिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि मैंने बीटरूट और कैरेट लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही लेना है। आपको अपने पसंद का फ्रूट लेना है जिसका टेस्ट आपको पसंद हो। और अब ये जो मिक्सचर है इसको थोड़ा सा देर ठंडा होने देंगे और फिर किसी भी मोल्ड में भर देंगे, इस अच्छे से फिल कर देंगे और 1-2 घंटे सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। बस बनके तैयार हो गई हमारी गमीज़। तो ये जो जिस साइज़ की गमीज़ बनके तैयार हो गई हैं उसके हिसाब से आपको सिर्फ 1 दिन में और 1 रात में खानी है, या फिर 2 आप एक बार में खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खानी है। भूल से भी किसी भी शक्कर वाली जूस वगैरह इसमें मिक्स नहीं करना है और ना ही शुगर, एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड करनी है। बनाना इनको बहुत ही ज़्यादा आसान है और मुझे इसके टेस्ट से इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से पी रही हूँ तो मैंने इसमें हनी ऐड नहीं किया, लेमन ऐड नहीं किया, पर लेमन और हनी ऐड करते हो तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको उसको खाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं, और फ्रूट भी आप ऐसा यूज़ करो जो आपको पसंद हो जैसे कि आप इसको खा सको। ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसा फ्रूट यूज़ करो जो आपको पसंद नहीं है तो फिर आप ये भी नहीं खा रहे हो। इसको आप 15-20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, आराम से खा सकते हो, इसके बेनिफिट्स ले सकते हो। और एक बार बना के ज़रूर देखना अगर आप चाहते हो एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना और सिर्फ इस वजह से नहीं यूज़ कर रहे हो कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो आप सॉल्यूशन मिल गया। इसको यूज़ करके ज़रूर देखो और बनाओ, मेरे साथ शेयर ज़रूर करना अगर आप बनाते हो तो। कमेंट करके बताना या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।